हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंसी प्रीमियर लीग के पहले मैच के बारे में। तो ये एक T10 फॉर्मेट का टूर्नामेंट होने वाला है। इतने दिन से कोई क्रिकेट शुरू नहीं थी, तो ऐसे में ये पहला कोई मेजर टूर्नामेंट होने वाला है। जरूर उतने बड़े यहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, पर फिर भी कुछ ना होने से अच्छा तो ये टूर्नामेंट है ही। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो में एक बात करें, इस पर आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि विराट क्रिकेट टिप्स का है, जिनके पास आपको इस विंसी प्रीमियर लीग की सारी मैचेस की सबसे बढ़िया रिपोर्ट्स मिलेंगी, सबसे अच्छा मैच प्रेडिक्शन मिलेगा, या आपको विनर टीम बताएंगे, स्टेनो टॉस भी बताएंगे। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में विंसी प्रीमियर लीग के सारे मैचेस की यहाँ पे रिपोर्ट्स है, जरूर से इन्हें मैसेज कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में 100% ट्रस्टेड रिपोर्ट्स मिलेंगी, इन सच रिपोर्ट्स और किसी के पास नहीं होती। तो जाइए और इन्हें मैसेज कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों पहले बात करें ग्रेनाडाइन डाइवर्स की, तो इनके मार्क्यू प्लेयर होने वाला है ओबेड मैकॉय, जिन्होंने अभी तक 4 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। नई बॉल के साथ ये काफी घातक साबित हुए हैं। पर आपको एक और चीज बता दूं कि इस टूर्नामेंट में सलाइवा का यूज अलाउड नहीं होगा, तो उतने अच्छे से यहाँ पे बॉलर्स को मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो जरूर बैट्समैन के लिए तो अच्छी खबर है, पर बॉलर के लिए काफी बुरी खबर होने वाली है। इस टीम की स्ट्रेंथ इनके ऑलराउंडर्स होने वाले हैं, इनके पास 3 टॉप नॉच ऑलराउंडर्स हैं। अगर इस टूर्नामेंट को कंसीडर करें तो आसिफ ऊपर, जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, इसके अलावा ब्रैक्सी ब्राउनी, जिन्होंने भी अच्छे से रन बनाए और विकेट भी चटका है, और शेम ब्राउनी, जिनका तो परफॉर्मेंस काफी लाजवाब रहा है और इस टीम के मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया खिलाड़ी भी होने वाले हैं। तो इन 3 ऑलराउंडर्स पर इस टीम का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिपेंड करेगा, तो देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बाकी बात करें साल पॉन्ड ब्रेकर्स की, तो इनके मार्क्यू प्लेयर होने वाले हैं सुनील एम्ब्रिस। इसके अलावा टीम के पास एस्विन है, जो कि टीम के विकेट कीपर बैट्समैन होने वाले हैं, और इसके अलावा टीम के पास रिकफर्ड वॉकर है, जो कि टीम के सबसे बढ़िया बैट्समैन है। फॉर्म काफी बढ़िया रहा है, खिलाड़ी तगड़ा है, और इस मुकाबले में इनके रन बनाने के भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है। ऑलराउंडर के तौर पर टीम के पास ओर्नेल थॉमस है, जिनका बैटिंग में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, बॉलिंग भी इन्होंने ठीक ठाक की है, एवरेज लेवल के ही ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर तो जरूर ग्रेनाडाइन डाइवर्स के पास तगड़े हैं। वही बैटिंग की बात की जाए तो बैट्समैन मुझे लग रहा है साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के थोड़े से ज्यादा बेहतर है ग्रेनाडाइन डाइवर्स के कंपेरिजन में। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाने वाला है अर्नोस वाले स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स किंग्सटाउन में, जो कि सेंट विंसेंट में है। और यहाँ पे पिच की बात की जाए तो T10 मुकाबले तो यहाँ पे अभी तक हुए नहीं है, पर जो T20s और ODIs और डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं उनमें पिच ने न्यूट्रल बिहेव किया है, ना तो ज्यादा बैट्समैन को मदद मिली है ना तो बॉलर्स को। पर क्योंकि इस टूर्नामेंट में सलाइवा का यूज नहीं होने वाला है, तो पिच में मूवमेंट थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बात करें वेदर की, तो वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, हमें कोई भी बारिश का चांस देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात करें मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला ग्रेनाडाइन डाइवर्स को जीतना चाहिए। मेरा मैच प्रेडिक्शन है ग्रेनाडाइन डाइवर्स, पर आपको बता दूं कि ये कोई गारंटेड मैच प्रेडिक्शन नहीं है, T10 के मुकाबले प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप विराट क्रिकेट टिप्स के पास जाइए, क्योंकि आपको 100% श्योर मैच प्रेडिक्शन देंगे, विनर टीम बता देंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से इन्हें मैसेज कीजिए और बेस्ट मैच प्रेडिक्शन पाइए। इसके अलावा अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।